तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। मुद्दा भ्रष्टाचार है ही नहीं, मुद्दा भ्रष्टाचार की जांच है ही नहीं, मुद्दा शराब घोटाला है ही नहीं। ऐसा शख्स देश का प्रधानमंत्री जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर मैंने इतने सारे असेंबली के अंदर इतने सारे गिनाए थे भ्रष्टाचार जो इन्होंने किए हैं, इतने भ्रष्टाचार गिनाए थे इन्होंने। तो मेरे को तभी कह दिया था उस दिन, जिस दिन असेंबली में मैंने स्पीच दी थी, शाम को संजय सिंह का मैसेज आया कि अरविंद जी अगला नंबर आपका है। कल सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू दिया, मैं वो सुन रहा था। सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोदी जी के बहुत खास लोगों में गिने जाते थे। उन्हें पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया, फिर उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे जो इंटरेक्शन हुए मोदी जी के साथ, उसमें पता चला है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहेज नहीं है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन लोगों के कुछ मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, खूब पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते, वो पैसा ऊपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होता है। मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें। तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी, अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो ही नहीं सकता, उनके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा थोड़ी है। तो फिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टारगेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। नंबर 2 को गिरफ्तार कर लिया, नंबर 3 को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरी गर्दन तक पहुंचना। तो अब ये मेरे पीछे पड़े हैं, मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसी पार्टी को इस तरह से नहीं टारगेट किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया। उसका एक कारण है, वो कारण है कि 75 साल के बाद आम आदमी पार्टी ने इस देश को एक ऐसी उम्मीद दी है जो कि कोई पार्टी नहीं दे पाई। गुजरात के अंदर 30 साल से बीजेपी की सरकार है, उसमें 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वहां पे मुख्यमंत्री रहे। 30 साल के अंदर ये एक सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए, एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए। जब मोदी जी को फोटो खिंचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेम्पोरेरी क्लास, एक टेंट के अंदर टेम्पोरेरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने लायक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाए। और 5 साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, 5 साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है, उनको शिक्षित कर सकती है, उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उम्मीद दी है, प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद को कुचलना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो उम्मीद आगे बढ़े, क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को की मिलके जो लूट चल रही थी, अगर इनको स्कूल बनवाने पड़ गए, इनको अस्पताल बनवाने पड़ गए, तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा। तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है, मैं जाऊंगा कल सीबीआई में। और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है।